हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप यहां पर देख सकते हैं ओप्पो का ये फ़ोन है, जो कि यहां पर मॉडल आप लोग देख सकते हैं CPH 2349। ये मॉडल है इसका। इस फ़ोन का नाम ओप्पो A16K है। इस फ़ोन का नाम, इसमें बाईपास लग चुका है, FRP बाईपास। तो चलिए इसको हम किस तरह इसको बाईपास को अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। इसको आई हैव ए रीड एग्री द टर्म कंडीशन एडोब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना इस फ़ोन में आपको क्या करना है, वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं। वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब आपको क्या करना है, एक सिम ले लेना है जिसमें कि लॉक लगा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर सिम ला लिए हैं। तो चलिए इसमें लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे सिम को इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको खोलना है। इस सिम में क्योंकि एक लॉक लगा हुआ है इस सिम में। तो चलिए इसको हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस सिम को यहाँ पर जो सिम लगा हुआ है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर इससे निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिम निकल चुका है। सिम निकलने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऐसे जैसे इसको यहाँ पर आएगा। बस ऐसे जैसे ही कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा अबाउट फोन। उस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें नहीं जाना आपको। यहाँ पर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर। तो चलिए हम यहाँ एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे में दिख जाएगा बैकअप एंड रीसेट। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नीचे में इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इरेज डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कीजिएगा क्लिक, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। ये ऑन होने में 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है। तो चलिए इसको ऑन होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आई हैव ए एग्री द टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर रीड। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर वो आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं भी कीजिएगा तो हो जाएगा। इसके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से इसको भी लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप स्किप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। चलिए स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेलकम का ऑप्शन आ चुका है।
गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फोन रेडी हो चुका है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।